राम राम भाई, सारे ने के ढंग से उम्मीद से सारे बड़े होंगे, काट से काटे होंगे। तो भाई यह खड़ी अपनी पंच, ठीक से, और आज चलेंगे इसकी लॉन्ग ड्राइव पे 200-300 किलोमीटर की। तड़के के बज रहे हैं 5:04, और अपनी गाड़ी आ रही, आज चलेंगे इसमें दिल्ली ते हरिद्वार, ठीक से। तो अपनी गाड़ी आ रही, अपनी लॉन्ग ड्राइव रहेगी 220-230 किलोमीटर है अपने घर से हरिद्वार, तो उस चल लेंगे। इसकी लॉन्ग ड्राइव भी रहेगी और बेरा भी पार्ट जाएगा, और हाईवे पे इसका पहला रिस्पॉन्स की हाईवे पे कैसी चले है, के माइलेज रहेगी इसकी। तो इसमें थोड़ी सी गैस है, वह खाली करके, कती खाली करके ना टंकी दोबारा भरवाऊंगे और देखेंगे कितनी गैस आओगी, और फिर देखेंगे हाईवे पे की रिस्पॉन्स रहे, और कती खाली करके देखेंगे कि भाई पहली सर्विस तो पहला 1000 किलोमीटर तो पहला जब इसने पास चलाएंगे तो हाईवे पे की माइलेज टेस्ट रहेगा, वो आज इसका चेक मार लेंगे, ठीक है। तो तड़की के हो रहे हैं 5, तो शुरू करें हैं अपनी जर्नी और इसकी पहली लॉन्ग ड्राइव में। तो सामान वामान धर लियो हूँ, थोड़ा सा तैयार हो ले है, फिर अपनी जर्नी करें शुरू। तो भाई अपनी करें हैं दिल्ली टू हरिद्वार की जर्नी शुरू, सामान वामान धर लिया है, गाड़ी में बैठ लिए हैं। हमने एक बार दिखा दूँ तो, एक मिनट रुको, गाड़ी की चाबी लगा दो। 5 बजे उठे थे, तैयार होते होते 5:30 हो गए हैं, तो एक बार तो रुक जा, क्या होगा, CNG फ्यूल लो। हाँ तो भाई गाड़ी का स्टेटस दिखाऊं तो गाड़ी देख लो, कुल चाली है 227 किलोमीटर, तेल का डंडा 1 है और गैस भी ब्लिंक कर रही है, पर ये CNG है गाड़ी में, तो CNG ख़त्म हो जाएगी, उसके पास से पूरी गैस भरवाओगे और फिर करेंगे जर्नी शुरू। तो ले कर बाबा का नाम जर्नी करें शुरू, हर हर महादेव, जय बाबा की। तो भाई ट्रिप अपनी जारी है, गाड़ी चाल की है, टोटल बताऊं थारते गाड़ी चाल की 252 किलोमीटर, और सनराइज देखो, सुबह के बज रहे 6 बजे और सुंदर नज़ारा, ऊपर सनराइज, साथ में हाईवे पर चल रहे हैं दिल्ली टू हरिद्वार अपनी नई टाटा पंच में। अपा चल रहे हैं 80-90 की स्पीड पर, 80-90 की स्पीड पर, CNG भी है, CNG ख़त्म हो जाएगी, फिर इसका नया टैंक भरवाऊंगे और उसमें पूरे टैंक में देखेंगे पूरी जर्नी में कितनी चाली, और उससे पहला ये देखो भाई सुंदर एकदम तड़की तड़के का सनराइज। वो तो अपा 9-10 बजे उठा करा, पर कदे कदे मौका मिला जल्दी उठ के सनराइज देखने का, ये देखो भाई। तो भाई गाड़ी चल रही है कुल 268 किलोमीटर, 268 किलोमीटर, अरे अपनी गैस होगी खत्म। ये देखो CNG का बटन दबा रहा हूँ, गाड़ी नहीं आ रही CNG पे, गाड़ी चल रही है कुल पेट्रोल पे। ये ढूंढेंगे CNG पंप, उस पर तो गैस भरवाओगे पूरा टैंक फुल करा के, और फिर देखेंगे एक टैंक में कितनी चल रही है अपनी टोटल, तो देखेंगे कि CNG पंप मिल जाए तो CNG भरवाओगे। तो भाई फास्टैग वाला भी आ गया, गाड़ी में फास्टैग कौन है, फास्टैग बनवा ले हैं, फास्टैग कितने का भाई, 500 रुपये, कौन से बैंक का, 50 रुपये सर्विस चार्ज है, 550 टोटल है, जिसमें 250 रुपये बैलेंस है, 500 का है उसमें 250 बैलेंस आओगा। इस पे एक नंबर पे 2 बंजे है ना, पहले कौन सा लगा हुआ है यार, पहले दूसरी सिलेरियो गाड़ी थी तो वह बेच दी, कोई दिक्कत, वो आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ था गाड़ी पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बना दो उसे मोबाइल नंबर पर बन जाएगा, आपका पास होना चाहिए फोन नंबर,
हाँ मेरे पास तो है, लेकिन उस नंबर पे वो वाला पुराना वाला भी फास्टैग चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 10 फास्टैग हो, लेकिन गाड़ी नंबर अलग नहीं हो जाए, मोबाइल नंबर चाहे 10 गाड़ियों का, एक मोबाइल नंबर पे अलग अलग गाड़ी के फास्टैग बन गए हैं। कौन से बैंक का बनेगा ये? एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का, इनमें चार्ज वार्ज का तो कुछ सीन ना रहता? नहीं, वो ये बस जो हम बता रहे हैं, 150 रुपए का आपको कटते हैं टोटल, 250 रुपए का चार्ज कटता है, 250 रुपए बैलेंस आता है, 50 रुपए हम सर्विस के लेते हैं अपने। और केवाईसी उसकी सब चीज कंप्लीट, पूरी कंप्लीट केवाईसी वाला होगा भैया? 50 रुपए उसी चीज के लेते हैं, कंप्लीट करके देंगे, बढ़ा दे भाई। आरसी एडीएल दे दो, और पैन आरसी टेम्पररी है, कोई दिक्कत नहीं, टेम्पररी है, दिखाओ एक बार अभी देख कर, गाड़ी नहीं है ना अभी? नहीं ली। हाँ मन कर दे इसमें, एक्टिव तो तुरंत हो जाएगा। या भाई बनेगा इसका काम, टेम्पररी आरसी है, ये बार आरसी आई ना है ना। हाँ रजिस्टर तो हो रखी, नंबर प्लेट आ रखी है, आरसी 10-15 दिन में आओ है ना। पैन कार्ड फोन में तो भाई चलो यार, टेंशन भी मिट गई, फास्टैग अपना लगवा लिया है। वैसे तो थोड़े ज्यादा पैसे लागे, 650-650 रुपये, पर कोई ना, ये टेंशन ना रहेगी, बीच में टोल वोल पड़ेगा तो भी कोई दिक्कत को नहीं। चले भाई राइड अपनी शुरू करे हैं, बैक टू रोड, दिल्ली टू हरिद्वार। सीएनजी है नहीं बता रहे, उरा 1.5 किलोमीटर आगे सीएनजी है, तो सीएनजी भी फुल करवा लें, फिर नॉन स्टॉप चलेंगे। टाइम हो लिया है 6:38, 7 बजने हैं, सीएनजी भरवा के फिर चले हैं आगे। तो भाई चलो बढ़िया है, सीएनजी भी मिल गई, अब गैस फुल करा लेंगे, फिलहाल पेट्रोल पर चल रही थी यार, फिर ट्रिप करके जीरो, और फिर इसका करेंगे शुरुआत अपनी नॉन स्टॉप दिल्ली टू हरिद्वार। भाई देख लो सीएनजी अपनी कति खाली, गैस भरवा इस तरफ है दूसरी साइड, बस है। हाँ अरे खोलनी है ना, रे खुल गई, तो भाई गैस भर गई है पूरी अपनी, आई है 7.7, ठीक से सीएनजी पे होगी, एक बार आगे कर लूँ पेट्रोल पंप तक निकट ले हैं, फिर इसकी ट्रिप करेंगे जीरो, और फिर अपनी जर्नी करेंगे शुरू, और ये देखेंगे, देखो उतरा अपनी पूरी हाईवे पे चलनी है गाड़ी, ठीक से, और एसी नंबर 1 पे, नंबर 1 ब्लोअर पे एसी ऑन रहेगा, और फिर देखेंगे अप की जो राइड है ना वो 80-90 स्पीड पे चलेंगे, क्योंकि नई नई गाड़ी साहब है, घनी बजानी को इंजन पर ज़्यादा जोर ना देना, पहली सर्विस था ही, तो वो रखेंगे, एक बार इसकी है ना ट्रिप जीरो कर लूँ। आ जाओ तो देख लो, फिलहाल इसकी ट्रिप जीरो कर ले हैं, तो ट्रिप ए जीरो कर दी है मैंने, ठीक से, ट्रिप बी ने भी जीरो कर दूँ, ट्रिप बी भी जीरो कर दी, और गाड़ी कुल चाली है 269 किलोमीटर। तुम देख लो सीएनजी फिलहाल ऑन है, एसी चलेगा, एसी चलेगा नंबर 1 पे,
और यो स्टेटस है पूरे पांच डंडे आगे यो है गाड़ी 269 किलोमीटर चली है, ट्रिप ए कर दी है जीरो, ये अपनी राइड कर रहे हैं शुरू और देखेंगे भाई किसी चलेगी 80-90 की स्पीड पे चलेंगे। तो भाई फिलहाल देख लो और टोटल चालिए एक डंडा कम हो गया सीएनजी का, पांच तो हो गए चार, और एक डंडे में टोटल चालिए 39.5 किलोमीटर, मोटा मोटा 40 किलोमीटर, और अपनी बढ़िया स्पीड पे 80-90 पे चल रहे हैं। बढ़िया मक्खन रोड है, साइड में नहर चल रही है और यो स्टेटस है, गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है तो यो स्टेटस है, बाकी देखेंगे कितनी चलेगी, पूरे टैंक में अपडेट देते रहेंगे। और भाई बात करूँ ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो देखो क्लीन रोड है वैसे तो, यो अपन है ना यो रास्ता लिया, इस पे एक भी टोल को ना, एक टोल पड़ेगा मेन हरिद्वार वाला, बाकी 200-300 रुपये अपने टोल के बच जाएंगे। और रास्ता कति हाईवे जैसा है भाई प्रॉपर, बीच में थोड़ा बहुत रोड खराब है, बाकी रोड एक नंबर है, मजे आ रहे हैं। अपनी गाड़ी 80-90 थोड़ी बहुत 95 तक भी गई थी, आगे देखेंगे, आगे इसने बढ़िया और रास्ता होगा तो मेरे ख्याल से 100 भी लेके जाएंगे, तो वो है। बाकी भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ ना, देखो गाड़ी में है ना चलान में मजा आ है, जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाने वैसे वैसे इसे लागे भाई कॉन्फिडेंस आओ है, गाड़ी रोड तक चिपक के चल रहा है। बाकी भाई एसयूवी वाला स्टांस है तो थोड़ा बहुत अगर टर्न आओ है ना, कोई मोड़ आओ है या कोई खड़ा मोड़ आओ है तो थोड़ा सा बॉडी रोल तो थमने मिलेगा उसमें, कति मतलब थोड़ी कम स्पीड करके थमने गाड़ी आगल लेनी पड़ेगी। पावर की मैं बात करूँ भाई, पहले दूसरे तीसरे गियर में तो थोड़ी सी लाग गए है पावर की कमी, अगर थम मेरी डाल चलाने वाले हो पंजा दबा के तो, बाकी अगर थम लाइट फुट के साथ चलाया करो ना कति आराम था, तो भाई थमने पावर की भी कोई इसी कोई खास दिक्कत लग गएगी ना। तो भाई आ गए हैं फिलहाल, मेरे ख्याल से कितना, मेरे ख्याल से 101 किलोमीटर और रह गया हरिद्वार, 101 किलोमीटर और हरिद्वार फिलहाल। देखो अब आ रहे हैं ना बिना टोल के आ रहे हैं, तो ये नहर, नहर का किनारे पूरा रास्ता मेरठ तो होके नहर, देखो भाई कितना तगड़ा पानी है कति है हरिद्वार, तो पहले इससे मैं गोता लगा लेके, मजा तो तगड़ा है। पराने भी है नहर, देखो पराने दिखाऊं, देखो पराने भी नहर है और उराने भी नहर है, दोनों तरफ तो है और मजा सा आ रहा है, नज़ारे थम ले लो, चाय पी ले है थोड़ी सी, चाय पी ले और फिर चल देंगे, ले मम्मी चाय दे, चाय गा लो, चाह थोड़ी गा लियो आधा कप, गिलास में गा लो उसमें का चाड़े में, पूरा दरिया था ना। बस 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 रस रुस ना लो। तो भाई यार ही उरे रुक के, थोड़ी देर रुक के नहर का किनारे पूरे अपने चाह का आनंद लेंगे, और ग्रीनरी देखो भाई एक नंबर, थोड़ा सा 10-1 मिनट का रेस्ट ले लें फिर आगे चलेंगे। तो भाई रेस्ट ले लिया फाइनली, बॉडी होगी खुल गई, थोड़ा मुंह हाथ पा धो लिया, चाय पी ली, अब चल रहे हैं वापस तो अपनी जर्नी शुरू करे हैं हरिद्वार की। क्या कर रहे हो? अरे पन्नी तारनी को नहीं, पन्नी ना तारनी है क्यों? पन्नी भी ना तारण दे रही भाई मम्मी है, पन्नी क्यों ना तारण दे रहे, गंदी हो जाएगी सीट है, गंदी होगी जिब्बत नहीं लागेगी, अभी पता नहीं है कुछ तो चलाओ हैं, कुछ तो चलाओ, पैसे बचाने, हां थोड़ी बहुत बचाने, गुड डे पा जाट लिए चले बैठे। तो भाई फिलहाल स्टेटस है ये, गाड़ी चल गई कुल 62 किलोमीटर, सीएनजी का एक डंडा गया है, सीएनजी अपनी ऑन है, गाड़ी करी स्टार्ट, लगाई सीट बेल्ट, सीट बेल्ट लगा ली, ये देखो भाई बतानी पड़े सीट बेल्ट लगाओ है, सीट बेल्ट लगा ली, सीट बेल्ट ना, सीट बेल्ट के, सीट बेल्ट लगा ली है मैंने, लगा ली आपने, तो चलो भाई चाय पी ली, लेट्स के कर लिया, चाय पी ली, रस खा लिए, एक गिलास कांच का तोड़ दिया, गिलास तोड़ दिया, हाँ। किसने तोड़ा? मंगेश ने गिलास तोड़ दिया चाय पी के, मंगेश कौन है, दो के मंगेश कौन है, है? तो मोनू है, पहली बार मंगेश कह रही है, वो तो मोनू मोनू करा जाए, नाम तभी ना बोल रहा है, किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए, तो प्यार का नाम है मोनू,
तो भाई चलो आगे जर्नी शुरू कर रहे हैं। हरिद्वार मेरे ख्याल से 101 किलोमीटर है क्या। तो भाई फिलहाल आ गया अपने दूसरा स्टॉप। नींद सी आ रही है, 9 बजे उठने वाला आदमी आज 5 बजे उठ लिया था, तो नींद सी आ रही है। फिलहाल गाड़ी का स्टेटस बताऊं तो भाई देख लो कुल चाल की है, दिख रहा है कि ना दिख रहा, और थोड़ा जूम करते हैं। तो भाई कुल चाल की है 127 किलोमीटर। सीएनजी के 3 डंडे जा लिए हैं, 2 डंडे रह रहे हैं। 127 किलोमीटर चल ली है और भाई गाड़ी है ना चलान में जी सा रहा है। मतलब ईसा रोड हो ना, हाईवे हो और साइड में नहर जा रही हो, तो भाई अलग है मजा है। तो जी से तगड़े आ रहे हैं। फिलहाल रुक गए, एक थोड़ा गन्ने का जूस ले लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें और फिर चलेंगे। और गाड़ी है ना, मैं कह रहा हूँ ना, अगर थम बजान वाले हो ना मेरी डाल, तो भाई पहले दूसरे गियर पर तो थोड़ी सी लगेगी पावर कम, जो मैंने अब तक 127 किलोमीटर जितना भी चलाया है आज जो अपने हाईवे वाली राइड रही है। तो थमने है ना, तो थमने है ना बजान में पहले दूसरे गियर पे तो लगेगी थोड़ी सी कि भाई पंजा दबा रहे हैं और 2-4 सेकंड पाछे गाड़ी भाग रही है, लेकिन भाई चौथे और पांचवे गियर पे जो भाग गए है ना कति नू लगा लो, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाए, 100-120 भी चलाई मैंने, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाए ना गाड़ी रोड की गैल चिपकती जाए, तो मजा तो है। बाकी राइड करेंगे शुरू, अभी दूसरे स्टॉप पर रुके, एक बार उतर रुके थे। और अपा ये जो रास्ता ले रहे हैं ना, जो पूरा भाई टोल फ्री रास्ता है, पूरा एक भी टोल नहीं पड़ेगा, पूरा एक भी टोल नहीं है। अपने वे उतर आता है मेरठ हाईवे से जाते तो उत कम से कम अपने लाग जाते मेरे ख्याल से 300-301 रुपये, 300-350 रुपये टोल लागता है एक बड़ का, और दूसरी बड़ का वो 600-700 इतने में अपना एक टैंक फुल हो जाएगा। और कि मैं ना मेरे ख्याल से आधा घंटा फालतू लागेगा। तो रोड भी बढ़िया है, रोड की कंडीशन थम देख लो, एक नंबर रोड है। और ये नज़ारे हैं, और यह जा रही भाई नहर, इविया बेरा ना जो गंगा वाला पानी आ रहा है, हरिद्वार तो आ रहा है कितना आ रहा है, जिब तक चल रहे भाई यह नहर चलती जा रही है। और देखोगे दूर तक यही हो सके, यह हरिद्वार तक आ रही हो। कुल अपना मेरे ख्याल से इब 50-60 किलोमीटर रह गया टोटल, ठीक से 50-60 किलोमीटर टोटल रह गया। और फिलहाल रुक रहे हैं गन्ने का जूस पीने ताई, मारी माता जी आ रही, बहन आ रही, गन्ने का जूस पी ले हैं और फिर आगे की राइड कर रहे हैं पूरी कंप्लीट, ठीक। नहर देखो भाई, मज़ा तो यो है, इसे में चालन में मज़ा है। किस जागी है, पड़ जाएगी उसमें है, तो उड़े क्या करेगी, उतर हरिद्वार में जाइए उड़े क्या करना है, डेंजर है भाई उधर, तो इसने तैरना भी ना आओ, मन तो तैरना हो, मैं तो तैर लूंगा। गन्ने का जूस पी लें फिर आगे बढ़ेंगे। नहर है, ऑनलाइन हो जाएगा, रैंड तो हो जाएगा। चलो देख आंगली काट ना उसमें। तो भाई फिलहाल है गन्ने के जूस की बारी, यो ले ले हैं और फिर आगे चलेंगे। मजा इससे में भाई अपनी गाड़ी में ना, जित जी करे उत रुक जाओ और जैसे जी करे वैसे रुको और जी से लो। तो भाई जूस जास हो गया है, अपनी राइड फिर तक करें शुरू, 10-1 मिनट उधर रुक लिए, घनी देर करेंगे ना तो भाई घाम हो जाएगा। वैसे भी दिखा रहा है 10:30-11 बजे से पहुँचेंगे, तो वैसे भी गाँव हो जाएगा, गर्मी थमने बेरा है, कितनी तगड़ी चल रही है। तो जूस जास पी के अपने रेडी हो के अपने लिकड़ ले हैं अपनी राइड पे। तो भाई स्टेटस बताऊं तो फिलहाल देख लो गाड़ी कुल चाल ली है 173 किलोमीटर, और सीएनजी के देख लो 4 डंडे चले गए हैं, जो आखिरी डंडा है वो ब्लिंक कर रहा है, मतलब अपनी गाड़ी आ गई रिजर्व में, लेकिन सीएनजी भी बच रही है। तो अब देखेंगे आखिरी रिजर्व में या कितनी चाल है। कुल 173.1 किलोमीटर चाल ली है अपनी, और हरिद्वार भी अपा मोटा मोटा पहुंचे गए हैं। और अपना AC नंबर 1 ब्लोअर पे चलता आया है, बट जैसे जैसे गर्मी बढ़ गई
तो बीच बीच में हमने दो पे भी कर लिया था, फिर जैसे जैसे हल्का सा ठंड लग गया, एसी चिल्ड करा है भाई, एक नंबर पे ऐसा चिल्ड कर दे ना, तो हमने दूसरे नंबर पे ब्लोअर की स्पीड पे जाने की जरूरत ना पड़ी। बीच में हमने बेरा है कितना तगड़ा घाम पड़ रहा है, कितनी तगड़ी गर्मी हो रही है, बीच में कदे कदे दो पे लेके गया एसी का ब्लोअर, लेकिन उसमें फिर इतना वो चिल्ड कर दे सुसरा ठंड लागन लग जाए। फिर अपा ने तो एक पे मोस्टली बात करे तो अपा एक पे गए हैं, तो फिलहाल हरकी पौड़ी आ गए हैं भाई, और अपा की गाड़ी कुल चाल ली है तुम खुद देख लो 173, 173, लेकिन गाड़ी में सीएनजी ईबी भी है, गाड़ी का एसी पूरे रास्ते ऑन आया है, और गाड़ी में अभी इतना आप देख लो चल रही है, चलान में आ रहा है मज़ा, सीएनजी ईबी भी है, और देखें कितनी चलेगी या पूरी कति खाली हो जाएगी ना जिप था तो बताऊँगा। तो भाई फिलहाल आ गए हैं हरिद्वार में, गाड़ी अपनी पूरे पार्क लगा दी है, अब देखेंगे घाट मेरे ख्याल था पुराने हैं और सीएनजी का था तो बताया ही था, सीएनजी का एक डंडा रह रहा है, ब्लिंकर कर रहा है, मेरे ख्याल था 20 किलोमीटर और चलेगी, तो देखेंगे कितनी चलेगी, और पूरी है ना पूरी की पूरी अपनी हाईवे पर चली, तो हमने देखी होगी अपने गैस भी हाईवे पर भराई है, और रास्ता भी सारा हाईवे वाला है, तो अपनी हाईवे टू हाईवे चली है, और इब तक पहली सर्विस नहीं हुई है, तो वो देख लेंगे भाई हाईवे पे के इसने माइलेज दिया है के दिया है पहली सर्विस तो पहला, और पहली सर्विस के पास से इम्प्रूव तो डेफिनेटली होगी। तो फिलहाल घाट पे चल रहे हैं, पहले नहाएंगे थोड़े से पाप धोएंगे हैं, और उसके पास से फिर रोटी राटी खा के फिर उड़ाते निकट लेंगे घर की ओर, ठीक से अपनी ट्रिप की ट्रिप भी होगी, माँ ने बेटी का ब्याह कराया था तो गंगा भी नहा लेगी है, गंगा नहाना ही माँ है, मंगेश कौन है, मंगेश मेरा बेटा वो नवाना रहा, नई गाड़ी ली थी उन्हें, इस वजह से नई गाड़ी ली थी, बेटी का ब्याह कर दिया था, नई गाड़ी भी ली थी, बेटी का ब्याह भी करा, दोनों काम के लिए नहाना रही हूँ। अच्छा देख लो भाई, हमारी माता जी नई गाड़ी के नाम का भी नहाना रही है, और बेटी का ब्याह करा दो महीना पहले, उस नाम का भी गंगा जी नहाना रही है, तो यो सोचा है भाई, चल रहे घाट की तरफ चल रहे हैं। भाई साहब भीड़ देखो, हम तो सुबह 5 बजे नू चल रहे थे, मगर जल्दी पहुंच जाएंगे, वो छीट सी पाओगी इतनी भीड़ ना पाओगी, बट पूरा भाई भीड़ देखो, मतलब नू लगा लो पूरा दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा सारे उरे आ रहे हैं, दिल्ली में तो कोई है ना, इतनी तगड़ी भीड़ थी भाई, इतनी तगड़ी, और इतने गाँव में भी इतने लोग आ रहे थे, पर और देखिएगा हम खुद आ रहे थे तो भाई और भी आ रहे होंगे, तो मज़ा बड़ा आया, और देख लो यार ये गंगा मैया, जय गंगा मैया, कमेंट बॉक्स में लिख जरूर दियो जय गंगा मैया, ठीक से। और फिलहाल भाई ये है, उरे भीड़ देखो कितनी तगड़ी है, पर भाई पानी है ना एक नंबर का सीधा पानी, जितना ऊपर तक गाम है ना, एक बार पहला पा धरिया ना जी कप कपी सी चढ़ गई, और इतना सीधा पानी भाई, इतना सीधा पानी, पहली डुबकी ली जब तो सुब की सी चढ़ गई थी, सास सी मतलब वो है निकल कप कपी सी चढ़ गई थी, पर एक बार पानी के भीतर गए, गंगा जी के भीतर गए, सारे पाप धो गए, और फिर बाहर आने का जी ना कर रहा था, तो फाइनली डुबकी लेके नहा धो के अपने पाप धो के फाइनल डुबकी लेके और फिर रात करेंगे एग्जिट, ठीक। तो भाई नहा धो लिए हैं, गंगा में डुबकी लगा ली, थोड़े बहुत पाप जो करे थे वे धो गए हैं, फ्रेश हो लिए, लत्ते वत्ते पहन लिए, ईब चल रहे हैं रोटी खाएंगे, और रोटी खा के फिर अपने निकलेंगे घर की तरफ। तो भाई रोटी राटी खा के अपा 2:15 बजे से हरिद्वार तक निकल लिए थे, 2:15 बजे से निकल लिए थे, अरे देख लो फिलहाल स्टेटस ये है, सीएनजी भी है गाड़ी में, ठीक से, और 196 किलोमीटर कुल चल रही है, और एसी ब्लोअर नंबर एक पर चल रहा है, और सीएनजी अब भी है, तो यो स्टेटस है, और ईब निकल लिए दिल्ली की तरफ, दिल्ली ने, तो भाई ईब देखो और थोड़ी बहुत दूर चलने के पास है, 196.5 किलोमीटर पे अपनी सीएनजी खत्म हो गई, देखो ये और सीएनजी का डंडा जा चुका है, सीएनजी की लाइट जा चुकी है, दबा रहा हूँ तो भी सीएनजी पे नहीं आ रही, सीएनजी कती होगी है अपनी खाली गाड़ी की, ठीक से, तो कुल अपनी चाली 196.5 किलोमीटर, ठीक से,
सीएनजी में। तो अपा ने जो सीएनजी थी वह कितने की भरवाई थी, तुमने बेरा होगा, अपा ने भरवाई थी 7.7, ठीक है, 600 रुपया की 7.7 किलो भरी थी। तो यो अपनी चली है 196.5 किलोमीटर और उसने डिवाइड कर दें 7.7 है, तो अपनी भाई ऑन हाईवे इसकी एवरेज निकल के आई है 25। तो भाई बात करूं पहली बारी में हाईवे की स्पीड और वो भी पहली सर्विस तो पहला ही, थमने भी बेरा जब सर्विस हो है तो डेफिनेटली गाड़ी की सर्विस इंप्रूव हो है, गाड़ी की माइलेज इंप्रूव हो है। तो भाई मेरे हिसाब से तो मैंने 80-90 और थमने वीडियो में देखा मैंने खाली रोड था तो मैंने यार 100 भी बजाई है, 100, 103, 105 भी बजाई है, जितकती खाली रोड था बढ़िया रोड था। तो भाई उस हिसाब से देखे, इस स्पीड के हिसाब से देखे तो भाई 25.5 की 25.5 की इसने एवरेज दी भाई मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। और बाकी सर्विस कराऊंगे उसके पाछे बढ़ेगी तो उसके पाछे भी माइलेज टेस्ट करेंगे इसका हाईवे का के है के ना है, और सिटी आलत हमने देखे लिया है। भाई देखो यो मोटा रास्ता है, आप आ रहे थे हरिद्वार से दिल्ली उल्टे, गैस तो खाली होगी थी पर भाई पहाड़ आता है या हरिद्वार पर आता है, दिल्ली में बढ़ोगे ना, अगर दिल्ली के भीतर बढ़ने से पहला कोई से भी गैस स्टेशन पर देख लो इतनी तगड़ी भीड़ है, पिछले 15-20 मिनट होगी उरे खड़े खड़े। और यो प्रॉपर पेट्रोल डीजल तो सह ना पूरा पूरा देख लो, हरिद्वार नेचुरल गैस का नाम तो है, पूरा सिर्फ गैस का स्टेशन है पूरा पूरा, सीएनजी में इतनी तगड़ी लाइन लग रही है, 15 मिनट तो मैंने खड़े खड़े हो गए। और इबी भी देख लो कम से कम और आधे घंटे में नंबर आओगा, कितनी तगड़ी लाइन लाग रही, 3-3, 4-4 लाइन लाग रही है। तो गैस का तो यो हिसाब से अगर तुम पहाड़ा तो नीचे आ रहे हो ना और दिल्ली में बढ़ रहे हो, इस तो पीछे 2 सीएनजी स्टेशन चले गए उस पर भी इतना बुंडा था, मगो अगले पे जाएंगे अगले पे जाएंगे, जब तक अपनी गैस खाली ना हुई थी, अब गैस खाली होगी तो भाई देखो यो हाल है, और आगे बेरो ने अगले पे की हाल पाओगा। सीएनजी में सस्ती तो पड़ा है बट कई कई बार नू भी फंस जाओ। तो भाई उसके पाछे जी भी अपना दूसरी बार सीएनजी पंप पे भरवाई ने जिस पे पूरी लाइन लग रही थी, तो भाई इस पे भीड़ तो थी, इस पे प्रेशर भी कम था और बहुत लंबी लाइन थी, गर्मी भी थी, तो दोबारा सीएनजी भरवाई ने जब प्रेशर सो का था तो अपनी खाली टंकी में सिर्फ 4.8 किलो गैस आई थी, और उसमें मैं बताना चाहूं उसमें अपनी यह चाली थी कुल 134। तो अगर उस हिसाब से देखो तो 134 ने 4.8 डिवाइड करो तो भाई दूसरी बारी में जब टैंक फुल कराया तो लेके घर तक में खाली होगी थी, घर तक थोड़ी सी पहला, तो उसमें इसने दी अपा ने 27.9 की एवरेज, मतलब पहली बारी में 25-25 की दी थी, दूसरी बारी जब भरवाई 4.8 किलो जिबिया अपनी इसने माइलेज दी 27.9 की, तो उस हिसाब से तो भाई बहुत बढ़िया है। तो भाई ये पूरी वीडियो थी या जो दूसरी वाली थी या रिकॉर्ड ना कर पाया, मैंने ना बेरा था भाई दूसरी बारी में इतना बढ़िया दे देगी, बाकी चलान के ऊपर भी डिपेंड करा है, और इतनी चलाई है तो थोड़ा इंजन खुला होगा तो डेफिनेटली सर्विस में माइलेज पर फर्क पड़ा होगा। तो यह थी पूरी वीडियो, उम्मीद करूँ तुमने वीडियो बढ़िया लगी होगी, और किसा लाग रहा अपना व्लॉग, अपनी वीडियो बढ़िया लाग रही ना लाग रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइयो, और नए हो पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, इसे वीडियो अपने चैनल अपनी कति देसी भाषा में आती रहेंगी, और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और मिला था अगली वीडियो में, जब तक जय बाबा की राम राम।